देखो अब मारुति सुजुकी कंपनी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है क्योंकि रिसेंटली बलेनो के सेफ्टी रेटिंग्स सामने निकल कर आए हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि अब मारुति सुजुकी की कारें टाटा और महिंद्रा की कारों को बिल्ड क्वालिटी में टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बलेनो के जो सेफ्टी रेटिंग है वो सामने निकल कर आए हैं। लेकिन यार इस वीडियो के अंदर मैं उन 10 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको सेफ्टी में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल हुए है, यानी इन कारों में से आप किसी भी कार को आराम से पिक कर सकते हैं अगर आपको 2022 में एक अच्छी कार लेनी है। जो सबसे पहले कार आती है जिसको सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले हैं वो है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा। हालांकि ये इंडिया की मोस्ट सेलिंग कारों में से एक है, इसके अंदर भी आपको अच्छी सेफ्टी देखने को मिल जाएगी और ये मारुति सुजुकी की पहली ऐसी कार है जिसको सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले है। इसको एडल्ट ऑक्युपेंसी में लगभग 12.51 पॉइंट्स मिले हैं 17 पॉइंट्स के मुकाबले। इसके अलावा चाइल्ड ऑक्युपेंसी में इसको सिर्फ 17.93 पॉइंट्स हासिल हुए हैं। ये इंडिया की मोस्ट सेलिंग कारों में से एक है जो कि एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार है। इसकी कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 7.69 लाख रुपीस से बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। इसका टॉप मॉडल 11.34 लाख रुपीस तक चला जाता है। वही जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले हैं जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं 2021 में, वो है महिंद्रा की थार। हालांकि थार के ऊपर आपको थोड़ा सा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा लेकिन इसको आज के डेट में बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है। इसके अंदर बहुत ही बड़े अपडेट्स करे गए हैं, एक्सटीरियर का लुक काफी जबरदस्त है, इसका जो रोड प्रेजेंस है काफी कमाल का है और इसके इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, इसके अलावा नॉर्मल यूसेज के लिए आपको एक अच्छी कार लेनी है तो महिंद्रा की थार आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। एडल्ट ऑक्युपेंसी में महिंद्रा थार को लगभग 12.52 पॉइंट्स हासिल हुए थे आउट ऑफ 17। इसके अलावा चाइल्ड सेफ्टी में इसको 41 पॉइंट्स मिले थे, तो यहाँ पर इसको टोटल 4-स्टार रेटिंग्स मिले हैं सेफ्टी में। महिंद्रा थार की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 13.17 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो थर्ड नंबर की कारें आती है जिनको सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले हैं वो है टाटा की एंट्री लेवल हैचबैक कार टियागो। इसके अलावा टिगोर और टिगोर एवी, इन तीनों ही कारों को सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स हासिल हुए है। अगर आपको एक एंट्री लेवल हैचबैक कार लेनी है जिसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स हो तो आपके लिए टाटा की टियागो एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। लेकिन टाटा टियागो और टिगोर को सीएनजी किट के साथ रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया है जिनका माइलेज भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। हालांकि कॉस्मेटिक चेंजेस करे गए हैं दोनों ही मॉडल्स के अंदर लेकिन अब आपको टाटा के टियागो और टिगोर के अंदर सीएनजी किट भी देखने को मिल जाएगा। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसको सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले है वो है वोक्सवैगन की पोलो। बहुत सारे कार एंथुसियास्ट इस कार को चलाते हैं, अगर आपको एक प्रैक्टिकल कार चाहिए तो वोक्सवैगन की पोलो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। इस कार के अंदर नॉर्मल से फीचर्स दिए जाते हैं लेकिन चलाने के लिए और सेफ्टी के हिसाब से वोक्सवैगन की पोलो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। वोक्सवैगन पोलो ने एडल्ट ऑक्युपेंसी में लगभग 12.54 पॉइंट हासिल करे थे। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन में इसने टोटल 29.91 पॉइंट्स हासिल करे थे, तो इसके अंदर भी आपको लगभग 4-स्टार रेटिंग्स देखने को मिल जाएगी और इसकी कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 6.45 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो फिफ्थ नंबर की कार आती है जो कि मेरी फेवरेट कार है वो है टाटा की नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन को सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स मिले है। ये एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार है जिसको इंडिया में आज के डेट में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक वेरियंट भी देखने को मिल जाएगा जिसकी रेंज लगभग 312 किलोमीटर तक की है। टाटा नेक्सॉन इको एडल्ट ऑक्युपेंसी में लगभग 16.06 पॉइंट्स मिले थे आउट ऑफ 17। इसके अलावा चाइल्ड ऑक्युपेंसी में इसने 25 पॉइंट्स हासिल करे थे आउट ऑफ 49। तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन ने सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स हासिल करे थे और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। टाटा नेक्सॉन की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 7.39 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो सिक्स्थ नंबर की कार आती है जिसको सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स मिले है वो है टाटा की अल्ट्रोज। हालांकि अल्ट्रोज एक प्रीमियम हैचबैक कार है जिसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं और इसके अंदर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने को मिल जाएगा जिसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन अल्ट्रोज भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है अगर आपको एक प्रीमियम हैचबैक कार लेनी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है और इसको एडल्ट ऑक्युपेंसी में लगभग 16.13 पॉइंट्स हासिल हुए हैं आउट ऑफ 17। इसके अलावा चाइल्ड ऑक्युपेंसी में इसको 29 पॉइंट्स मिले थे, तो यहाँ पर टाटा अल्ट्रोज को टोटल 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं सेफ्टी में।
टाटा अल्ट्रोस की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 5.84 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस। वही जो सेवेंथ नंबर की कार आती है जिसको सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं वो है महिंद्रा की XUV300। हालांकि इसके अंदर इतने बढ़िया फीचर्स ऑफर नहीं करे जाते, लेकिन अगर आपको एक प्रैक्टिकल कार चाहिए जो कि चलाने के लिए बेहतर हो, अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छा माइलेज दे, इसके अलावा जिसके अंदर सेफ्टी फीचर्स अच्छे खासे हो, तो आपके लिए XUV300 एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। इसको एडल्ट ऑक्युपेंसी में 16.13 पॉइंट्स मिले हैं, इसके अलावा चाइल्ड ऑक्युपेंसी में इसको 29 पॉइंट्स हासिल हुए हैं। तो यहाँ पर आपको XUV300 के अंदर 5 स्टार रेटिंग्स भी देखने को मिल जाएगी और ठीक ठाक फीचर्स इसके अंदर दिए जाते हैं। इसकी कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 7.96 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस। वही जो 8 नंबर की कार आती है जिसको सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं और जिसको रिसेंटली इंडिया में लॉन्च भी किया जा चुका है, वो है टाटा की माइक्रो एसयूवी कार पंच। XUV700 से पहले इसको सेफ्टी में बहुत ज्यादा रेटिंग्स मिले थे, यानी जो पॉइंट्स रहते हैं वो सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले थे टाटा पंच को। इसको एडल्ट ऑक्युपेंसी में 16.45 पॉइंट्स मिले हैं आउट ऑफ 17 और चाइल्ड ऑक्युपेंसी में इसको पॉइंट्स मिले हैं 40.89। तो यहाँ पर आपको टाटा पंच के अंदर बहुत ज्यादा सेफ्टी देखने को मिल जाएगी और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त है। इसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। अगर आप एक माइक्रो एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं तो टाटा पंच आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है, लेकिन इसका जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसके बेस मॉडल की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 5.49 लाख रुपीज। वही जो 9th नंबर की कार आती है जिसको सेफ्टी में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं वो है महिंद्रा की XUV700। महिंद्रा कंपनी ने रिसेंटली XUV700 को इंडिया में लॉन्च किया था और लॉन्च होते ही इस कार ने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है। उसके बाद इसका क्रैश टेस्ट हुआ और क्रैश टेस्ट के बाद तो इस कार ने बहुत ही ज्यादा तहलका मचा दिया। हालांकि इसके जो बुकिंग से वो 1 लाख के ऊपर भी चले जा चुके हैं और सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज की वजह से इसके ऊपर बहुत बड़ा वेटिंग पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि बहुत ही मुश्किल से लोगों को XUV700 की डिलीवरी मिल रही है, लेकिन इसके अंदर आपको काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। XUV700 ने एडल्ट ऑक्युपेंसी में लगभग 16.3 पॉइंट्स हासिल करे हैं आउट ऑफ 17। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन में इसको 41.66 पॉइंट्स मिले हैं। तो यहाँ पर आपको XUV700 के अंदर सबसे ज्यादा सेफ्टी मिलने वाली है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी जबरदस्त आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि टाटा और महिंद्रा की कारों की बिल्ड क्वालिटी हम सबको पता है कैसे रहती है। XUV700 की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 12.49 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस। वही जो लास्ट कार आती है जिसको सेफ्टी में 0 स्टार्स भी मिले हैं और 5 स्टार्स भी मिले हैं, वो है मारुति सुजुकी की बलेनो। आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले इसका क्रैश टेस्ट किया गया था जिसके अंदर मारुति सुजुकी बलेनो को 0 स्टार रेटिंग्स मिले थे, लेकिन इसका फेसलिफ्ट मॉडल अगले 1-2 महीने के अंदर इंडिया में लॉन्च होने वाला है और मारुति सुजुकी ने कुछ चीजों को रिवील किया है। जैसे कि मारुति सुजुकी कंपनी इसके मटेरियल के ऊपर काम कर रही है, इसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर काम कर रही है, जिसकी वजह से इसको ग्लोबल एनकैप में भेजा जाएगा क्रैश टेस्ट के लिए और इसकी जो सेफ्टी रेटिंग से वो थोड़े से इंप्रूव हो, क्योंकि प्रीवियस मॉडल को सेफ्टी में 0 स्टार रेटिंग्स मिले थे, लेकिन जो फेसलिफ्ट मॉडल रहने वाला है उसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर काम किया जा रहा है और इसके अंदर 6 एयरबैग्स भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आने वाला समय बताएगा कि मारुति सुजुकी बलेनो सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स हासिल करती भी है या फिर नहीं, या फिर ये सिर्फ नॉर्मल सी चीजें है। लेकिन इससे एक चीज साफ हो चुकी है कि मारुति सुजुकी भी अपनी कारों की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रही है। चलो, ये तो आने वाला समय बताएगा कि बलेनो सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग हासिल करती है या फिर 0 स्टार रेटिंग्स हासिल करती है या फिर इसको 5 स्टार रेटिंग्स मिलते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। जब ये चीजें सामने आ जाएगी तो उसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।